आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में एक बार फिर सांप्रदायिक मामला सामने आया। सलमान नाम के लड़के और उसके कुछ साथियों पर जबरन दो हिंदू लड़कों को लूट के इरादे से अगवा कर बुरी तरीके से मारने पीटने के लगे आरोप। दोनों हिंदू लड़कों को अलग अलग जगहों से किया गया अगवा। एक जगह पर दोनों के साथ की गई बुरी तरीके से मारपीट, एक बच्चे की जबान भी कटी। जरा धमका कर और मारपीट कर पैसों की उगाही करने का भी आरोप। पीड़ित के मुताबिक रास्ते में जिप्सी को देख सड़क पर ही छोड़कर भागे आरोपी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हिंदू संगठन हुए एकजुट। जागीरपुरी थाने के बाहर नारेबाजी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली का जागीरपुरी इलाका सांप्रदायिक वारदातों और मामलों का गढ़ बन चुका है। एक के बाद एक लगातार ऐसी सांप्रदायिक वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे पूरे दिल्ली का माहौल बिगड़ सकता है। ये शायद कुछ इस तरीके की कोशिश की जा रही है। जागीरपुरी इलाका जहां पर करीब एक साल पहले सांप्रदायिक गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ था, उसके बाद कुछ हिंदू लड़कों के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे शब्दों में बयां तक नहीं किया जा सकता। अब ताजा मामला भी जागीरपुरी इलाके का ही है, जहां दो हिंदू लड़कों को अलग अलग जगहों से पहले अगवा किया गया। आरोप है कि जागीरपुरी इलाके के ही रहने वाले सलमान और उससे कुछ साथियों पर है। आरोप है कि जागीरपुरी इलाके में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पहले तो सलमान और उसके कुछ साथियों ने दो हिंदू लड़कों को लूट के इरादे से अलग अलग जगहों से अगवा किया, उसके बाद एक ही जगह पर लाकर उनके संग पूरी तरीके से मारपीट की और 50,000 रुपए की मांग भी की गई। पीड़ित के पक्षधर की माने तो दोनों लड़कों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनमें से एक लड़के की तो जीभ कट गई है। पूरा मामला जानबूझकर रचा जा रहा है, इसे इलाके में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ा जा सके। पीड़ित लोगों के पक्षधर का कहना है कि पुलिस भी इस तरीके के मामले में ढीला रवैया अपना रही है, जिससे बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। मामले की जानकारी जैसे ही कुछ हिंदू संगठनों को मिली, जागीरपुरी थाने के बाहर हिंदू संगठन एकजुट हुए और पीड़ित लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर थाने के बाहर ही नारेबाजी की गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को तुरंत छोड़ दिया गया। इसके बाद से ही पीड़ित लड़के को लगातार धमकियां मिल रही है। राकेश कौशिक का कहना है कि इस तरह के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं, जहां हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और पुलिस का ढीला रवैया ही बदमाशों के हौसले को बुलंद कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने हाकल के धारे में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे आरोपियों को तुरंत जमानत भी मिल गई और अब वो खुलेआम पीड़ित को धमकी दे रही है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। दो लड़के हैं, इनको एक सलमान नाम का व्यक्ति 6-7 लड़कों के साथ आता है और हथियारों को बल पे एक को उसके घर से और एक को आदर्श नगर से उठाता है, जबरदस्ती किडनैप करता है। कोई नाम बताया जा रहा है, कालू के मकान पे ले जाता है, वहाँ पे बंधक बना के रखता है, उनकी पिटाई करता है, चाकू की नोक पर इतना मारता है कि एक बच्चे की तो जीभ तक कट गई है और बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे को ऐसे ही मारूंगा। और फ़ोन छीन लेता है और 4,500 रुपये लगभग उनके पास थे, वो छीन लेता है और कहता 50,000 रुपये जब तक नहीं दोगे जब तक तुम्हें मारूंगा। फिर उनको वहाँ से बंधक बना के अपने साथियों के साथ कहीं ले जाता है, रास्ते में कोई जिप्सी मिल जाती है और छोड़कर वहाँ पे भाग जाता है। बच्चे डर गए थे, सीधे थाने आते हैं, थाने वाले 342 और 323 में एक मुकदमा, छोटी से मुकदमा दर्ज करके उनको हाथ की हाथ छोड़ देते हैं। वो बच्चे फिर बदमाश इनके पास जाते हैं, तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया। ये मामला है जागीरपुरी थाने का। जागीरपुरी थाने के अंदर आपको ज्ञात होगा सी ब्लॉक में भी एक इतना हिंसक क्राइम हुआ था एक हिंदू बच्चे के साथ, ये भी दोनों हिंदू है। तो क्या लगता है राकेश जी, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि कोई इस तरीके का संगठन है, ये एक योजनाबंद तरीके से हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर अप्रैल आने वाला है, फिर हनुमान जयंती होने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा डाउट है कि उसकी प्लानिंग में आके पहले ये टेरर पैदा करना चाह रहे हैं। क्या उनका नाम विजय और बंटी, दोनों हिंदू कम्युनिटी से हैं, जिन्होंने उठाया उसका नाम सलमान है और उसके साथ जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया और ऐसा शक है कि वो भी उसी कम्युनिटी से है। राकेश जी, यहाँ देखा जाएगा जहांगीरपुरी एरिया की बात करीजिए, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, बाकी प्रशासन कहती है कुछ और, काम कुछ और होता है, आखिर क्या रीजन है? मुझे लगता है इस कम्युनिटी को पुलिस का भी साथ मिला हुआ है, कोई ना कोई शेल्टर है इनके साथ,
नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता कि हनुमान जयंती के दिन पिछले साल आपने देखा था कि पहले से प्लानिंग करके इन लोगों ने कैसे वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को इन्होंने रोक दिया था। अब वही दौर आ गया है, उसकी तैयारी चल रही है, उसी के हिंदुओं के ऊपर फिर अत्याचार बढ़ रहे हैं और पुलिस की कोई, मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई है। इतने बड़े मामले में ये 323 जैसा मुकदमा दर्ज करके इन्होंने छोड़ दिया, हाथ के आतंकवादी को छोड़ दिया। इतना भी नहीं कि उनको एक दो रात कहीं जेसी तक भेज देते, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आखिर छीन लिए और चाकू पिस्तौल की नोक पे उसे किया, ना तो उसे कोई रिकवर किया पुलिस ने, मतलब उसको अरेस्ट तक भी नहीं किया। तो आगे नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ इस कम्युनिटी को, हिंदू दबने वाला नहीं है। उस पर जब हत्यार होगा, अगर हिंदू उठ खड़ा हुआ तो ईट सेट बजा देंगे हम। पुलिस ने मामूली धाराओं में FIR दर्ज की है, तो अब कहाँ तक जाएंगे आप इस मामले में? अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज हमने ये DD एंट्री कटवाई, अभी मैंने आकर इनके खिलाफ, अभी 4 दिन के बाद हम इनका इंतजार करेंगे, 4 दिन के बाद DCP साहब को देंगे। DCP साहब भी अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम सीधा MM कोर्ट का रुख करेंगे। MM साहब हमारी नहीं सुनते तो सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर नौबत आई हम भूख हड़ताल पे भी थाने के बाहर ही बैठेंगे, लेकिन हिंदू दबने वाला नहीं है किसी से। राकेश जी, अगर बात, मैं निवेदन करूंगा SHO साहब से, जहांगीरपुरी SHO साहब से, कि परिवार की देखभाल करें। ये 101% मुझे डाउट है कि इनके परिवार पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि जब जब कोई कंप्लेंट करता है, कोई हिम्मत करता है, तो ये उसको उसी तरीके से दमन करते हैं, उसके घर में घुस जाते हैं। कल भी घर में घुस के हथियारों के बल पर 7-8 जने घर में घुसते हैं, उस बच्चे के बाप को भी मारते हैं। मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक बच्चे के आगे उसके बाप तक को भी पीट देते हैं। हिंदुओं पे इतना अत्याचार, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। राकेश जी, जब आप थाने में गए थे, SHO साहब से बात हुई थी, क्या लग रहा है परिवार का कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे तो नहीं लगता कोई हेल्प करे, वो कह रहे मामूली धारा है। मैंने उनको सारी बात संज्ञान बताई, फिर वो कहते हैं कंप्लेंट दे दो, देखेंगे, ये करेंगे, वही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पुलिस इस बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली ये जो लड़के हैं, ये क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं और इनके यहाँ पर अपना कुछ इस तरह के अवैध धंधे भी चलते हैं, और वो कहते हैं, सरेआम कहते हैं वो लड़के। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।